जीटीएल का स्टॉक आखिर कब ऊपर चलना शुरू करेगा? यहां पर जीटीएल इंफ्रा की बात नहीं करना चाह रहे हैं, बात करेंगे जीटीएल की। देखिए दोस्तों, जीटीएल एक लीडिंग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। सेम पेरेंट है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर और जीटीएल, बट दिस इज अ सेपरेटली लिस्टेड कंपनी जिसके क्लाइंट्स आपके भारती एयरटेल, वोडाफोन, जियो सब कस्टमर हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर नेटवर्क लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जिसमें मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट भी इंक्लूडेड होता है इनका। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए इसका, इंटरेस्टिंगली प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है, 32% की होल्डिंग रखी हुई है, जहां पर जीटीएल के पास महज सिंगल डिजिट की होल्डिंग है। डीआईए ने 18% की होल्डिंग और पब्लिक ने 50% के आसपास होल्डिंग रखी हुई है। अब इस पब्लिक की होल्डिंग का मेन हिस्सेदार कौन है, आइए जरा समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने यहां पर शेयर्स को प्लज भी किया हुआ है, इस बात को समझे, 32% में से ऑलमोस्ट 100% शेयर प्लज किया क्योंकि डेब्ट की प्रॉब्लम है। यहां पर अगर सबसे पहले देखें तो सबसे बड़ा जो होल्डर है यहां पर कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, जिसके 15% की होल्डिंग है। इसके बाद में आईडीबीआई ट्रस्ट शिप सर्विस लिमिटेड, जिसके पास में करीब 12% की होल्डिंग है। तो देखिए करीब करीब 26% की होल्डिंग यहां पर दो लार्ज ग्रुप ने ली हुई है, जो कि इंस्टीट्यूट की तरह से होने चाहिए बट ये पब्लिक के अंदर लिस्टेड है। HUF 1.3%, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1%, एंड इसके अलावा NRI के पास 0.7% है। अब जरा इसका इंटरेस्टिंगली फर्स्ट कंपनी के बारे में देखते हैं, तो ये टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छा ऑपरेशन है इसका इस तरह से देखा जाए तो। और यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट में, इसका भाव अभी 11 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। ध्यान रखिए ये 2 रुपये के नीचे का शेयर नहीं है, 11 रुपये का शेयर है। काफी टाइम से गिरावट चल रही है इसमें, तो कहां पर इसके लेवल होंगे जो आपको खरीदने के लिए अच्छा रहेंगे, आइए देखते हैं। यहां से जब इसने एक बार ये 19 का लेवल तोड़ा तो फिर गिरता गिरता अब यहां पर ये संभल के आया है दोबारा से, जो करीब करीब 11 रुपए के आसपास से अच्छा बेस बना लिया है। तो ये 11 रुपए का लेवल बहुत स्ट्रांग सपोर्ट माना जाएगा इसका। अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज देखें तो 14 के आसपास है इसका 50 डे मूविंग एवरेज। पहले भी इसने यहां पर सपोर्ट लिया था पर इस बार इसका सपोर्ट को तोड़कर ऊपर गया, तो अच्छी बात है। अभी यहां पर हमारे हिसाब से ये जो करंट लेवल है 11 रुपए के आसपास काफी अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है। फिर से एक बार हो सकता है आसपास आए, पर करंट लेवल से 11 रुपए के बीच में बहुत अच्छी खरीदार बनेगी और ये फिर ऊपर चलने की शुरुआत करेगा। और मार्केट ने सपोर्ट दिया तो हो सकता है 52 वीक हाई भी बहुत जल्दी बनाइए। अगर आपको हमारे पेड मेंबर बनना है तो 299 का पैकेज ले सकते हैं, जिसमें हम अपनी ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते हैं। यहां पर अगर वन डे का देखें एवरेज, तो इफेक्टिवली अगर कोई इसको एलिगेटर इंडिकेटर के साथ देखा जाए तो अब एलिगेटर इंडिकेटर ने इसने बाय सिग्नल जनरेट करना शुरू कर दिया, तो ये सबसे फर्स्ट इंडिकेटर होता है। अगर हम सुपर ट्रेंड की बात करें, सुपर ट्रेंड के बेसिस पर यहाँ पर 13 रुपये 50 पैसे का रेजिस्टेंस है, एक बार ट्राई कर लिया है, एक बार और शायद ट्राई करेगा और क्रॉस कर देगा उसको अगली बार में। RSI 42 न्यूट्रल जोन, बुलिंजर बैंड का बैंड काफ़ी कम हो चुका है और यहाँ पर नीचे के लेवल के आसपास काफ़ी अच्छी सपोर्ट लग रही है और फिर ये ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाएगा। बुलिंजर बैंड का बाद अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी ने ऑलरेडी पिछले 10 दिनों से इसमें बाय सिग्नल जनरेट करके रखा हुआ है। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद।